एक किराना स्टोर दुकानदार अपनी दुकान का स्टॉक कैसे मैनेज करना है जिससे ग्राहक कभी भी खाली हाथ ना जाए। किराना स्टोर पिछले काफी समय से किसी दूसरे बिजनेस की तरह डेवलप हुए हैं। आज के व्यस्त जीवन में समय की कमी ने किराने की दुकान के नए तरीकों को जन्म दिया है जिसे हम आज देखते हैं। वो दिन गए जब कस्टमर्स को अपनी पसंदीदा वस्तुओं को खरीदने के लिए अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ता था। अब एक ही छत के नीचे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने किराना स्टोर में स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सब सामान मिलना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन आज एक किराना बिजनेस के मालिक के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं। इन्वेंट्री स्टॉक को बनाए रखना, बाजार के ट्रेंड्स को मैच करना और कस्टमर्स की मांगों को पूरा करना। अधिग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो किराना मालिकों को अपने स्टोर के लिए स्टॉक को मैनेज करने में मदद करेंगे। पसंद की आजादी। अपने ग्राहकों को ये चुनने की छूट दें कि वो क्या चाहते हैं। इन्वेंट्री में विभिन्न किस्में ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करेंगी। एक बार जब बात फैल जाती है कि आपके स्टोर में ट्रेंडी और लोकप्रिय सामान है तो ग्राहक दो बार बिना सोचे समझे आपके स्टोर पर आ जाते हैं। शुरुआत में ये एक बिना मतलब का खर्च लग सकता है, लेकिन समय के साथ वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बड़ा मुनाफा दे रहा। याद रखें, खुश ग्राहक सबसे अच्छी मार्केटिंग रणनीति है जिसे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उपयुक्त उत्पाद मात्रा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये तय करना है कि डिस्प्ले पर कितना सामान रखा जाना है। ये माना जाता है कि अगर ज्यादा मात्रा में सामानों को शेल्फ पर रखा जाएगा तो ये तेजी से बिकेगा, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि डिस्प्ले आपकी दुकान के आकार के हिसाब से हो और वही सामान रखें जो आप जानते हैं कि आपके कस्टमर्स को आपकी दुकान की तरफ आकर्षित करेंगे। जाने क्या स्टॉक करना है। ध्यान दें कि आपके स्टॉक में सस्ती और प्रीमियम दोनों तरह की चीजें शामिल हों। एक बैलेंस्ड लिस्ट बनाएं। ये ना केवल सामान्य चीजों को खरीदने पर ध्यान देगा जो सामान्य लोगों को आकर्षित करेगी, बल्कि कुछ प्रीमियम ब्रांड्स को भी आकर्षित करेगा। इस तरह आप सभी वर्ग के कस्टमर्स को आकर्षित कर सकते हैं। आइटम प्लेसमेंट। सुनिश्चित करें कि आप नीचे की दो शेल्फ्स में बच्चों को पसंद आने वाली चीजें रखें। इससे उन्हें उन चीजों को नोटिस करने में मदद मिलेगी जिनसे वो आकर्षित होते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप काउंटर के पास एडल्ट्स के लिए एक ट्रेंडी सामान भी रख सकते हैं, वो ज्यादातर चुने जा सकते हैं। स्टॉक को कैटेगराइज करें। स्टॉक को कैटेगरी में बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पनीर और सॉस को पास्ता के बगल में रखें, कुकीज को कॉफी और टी सेक्शन के पास। ये ना केवल ग्राहकों को वस्तुओं को जल्दी से खरीदने में मदद करेगा, बल्कि अगर वो भूल जाते हैं तो उन्हें याद भी दिलाएगा। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। अपने स्टॉक को इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेन करें। आपको जो भी वस्तुएं मिलती हैं उसके प्रिंटेड प्राइस, सेलिंग प्राइस, एक्सपायरी डेट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का रिकॉर्ड रखें जिसे अनदेखा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि सॉफ्टवेयर ने आपको याद दिलाया कि उत्पाद एक महीने में समाप्त होने वाला है, आप इसे बिक्री पर प्रदर्शित कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे अपने स्टॉक्स को बढ़ाएं और मैनेज करें तो इन सभी रणनीतियों को अपनाएं। तो क्या आपने पहले ही योजना बनाना शुरू कर दिया है कि इन रणनीतियों को कैसे लागू किया जाए? ये अच्छा है, क्योंकि अगर आपको अपनी किराना व्यवसाय को बढ़ाने का जुनून है तो आपको कुछ भी रोक नहीं सकता, फंडिंग की चिंता भी नहीं। अपने स्टॉक को बढ़ाना आपके व्यवसाय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके पास जितना अधिक होगा आप उतना ही अधिक प्रदर्शित करेंगे और अधिक लोग आपके स्टोर की ओर आकर्षित होंगे। ये सब आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।